जय माँ दुर्गा। स्वागत है दोस्तों आप सभी को सुभ्रास किचन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं हॉर्लिक्स बिस्किट का केक। इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे बिना कोई ओवन या माइक्रोवेव के। ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा दोस्तों, एकदम स्पंजी सा बनेगा ये और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा पैकेट हॉर्लिक्स का बिस्कुट लिया है, ये देखिए। अब सारे बिस्किट को मिक्सी के जार में हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के डाल देंगे और उसका एक पाउडर बनाएंगे। बारीकी से ये पाउडर हम बनाएंगे, ये देखिए, एकदम से बारीकी से बना है ये पाउडर। आप हम इसमें दूध ऐड करेंगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके हम जितना लगेगा उतना दूध लेंगे, एक साथ सारे दूध हम नहीं डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से, देखिए। यहाँ पर मेरे पास पाउडर शुगर नहीं था तो मैं नॉर्मल शुगर डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी, थोड़ा सा और दूध डाल के, और इसको 5 से 10 मिनट तक रख दूँगी इस तरीके से। ये देखिए, जब तक ये हमारा शुगर अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए इसके लिए मैं छोड़ रही हूँ। अगर पाउडर शुगर डाली होती तो रखना नहीं पड़ता। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे और 2 बड़ा चम्मच हम मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें। ये देखिए, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको फिर से अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। ये देखिए, पूरी तरीके से मिल्क पाउडर बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से जैसे मिल जाए उस तरीके से हमें अच्छी तरह से मिलाना है। ये देखिए, अच्छी तरह से मिल गया। तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई में एक स्टैंड लेंगे और इसको प्रीहीट करेंगे 10 से 15 मिनट तक। यहाँ पर मैं 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट ली हूँ और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटी हूँ और कद्दूकस करके रख दी हूँ। अब एक बर्तन में ऑयल ब्रशिंग कर देंगे हम इस तरीके से, देखिए, चारों ओर, और थोड़ा सा आटा या मैदा जो भी हो उसको डस्टिंग कर देंगे इस तरीके से और चारों ओर फैला देंगे। अब हम बिस्किट में 1 पैकेट इनो का डालेंगे। याद रखिए दोस्तों, चॉकलेट भी डाल देंगे हम जब भी हम, ये देखिए, इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से। पहले हम इनो नहीं डालेंगे, जब हम केक बनाएंगे तभी ही ऐड करेंगे इनो को, पहले हम नहीं डालेंगे। ऊपर से मैंने काजू को गार्निशिंग कर दिया है। अब इसको हम कढ़ाई में स्टैंड के ऊपर रख देंगे। ये जो बिस्किट का मिक्सचर था ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, तो इसके लिए मैंने साइड में और एक कढ़ाई में एक चौड़ी सी प्लेट में इसको और एक केक बनाने के लिए रख दिया है। इस तरीके से हमें 20 से 25 मिनट तक रखना है। इसके बाद देखिए, पूरी तरह से पक गया है हमारा केक, बिल्कुल ही चिपक नहीं रहा है चाकू में, मतलब ये पूरी तरह से बन गया है। ये जो मैं साइड में बनाई थी और एक केक, वो वाला है। अब दोनों केक अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ी देर तक ठंडा कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों ही केक बहुत ही अच्छा बना था दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी ज़रूर इस केक को एक बार ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। ये देखिए, चाकू से इस तरह हम किनारों को इस तरह से अलग कर लेंगे। देखिए, आप हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर इस तरह से, ये देखिए, आप हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, गर्मा गर्म हमारा केक पूरी तरह से रेडी है। ये देखिए दोस्तों, दोनों ही केक बहुत अच्छी तरह से बनी है।
तो दोस्तों आप भी जरूर एक बार ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही कहीं पर भी क्रैक नहीं हुआ है, ये एकदम ही अच्छी तरह से बना था, एकदम स्पंजी। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। तो दोस्तों आप लोगों भी ट्राई कीजिए ज़रूर, कढ़ाई में केक बनाइए ज़रूर एक बार, बिना ओवन या माइक्रोवेव के, बहुत ही टेस्टी बनेगा। हॉर्लिक्स बिस्कुट के जगह पर अगर आप पार्ले जी बिस्कुट भी लेंगे तो भी ये बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। ये देखिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।